देखिए, पर्दे पे अक्सर टीवी पे या फिल्मों में हम ना किसी को देखते हैं और उसे हीरो का दर्जा दे देते हैं, लेकिन असल जिंदगी के आज हीरो से पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हम आपकी मुलाकात करने वाले हैं, जिन्होंने कोविड के टाइम पे एक बीड़ा उठाया। इनफैक्ट कोविड से बहुत पहले भी वो ऐसा नेक काज सोशल इशू कर रहे थे, लेकिन कोविड के टाइम फीडिंग फॉर्म फार एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया, जिसमें वो अकेले चले गए लेकिन धीरे 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 लोग उनके साथ काफिले में जुड़ते गए। बात कर रही हूँ पारितोष पंत की, जिनको बहुत सारे अवार्ड भी उनके इस काम के लिए मिले हैं। क्या है फीडिंग फ्रॉम फार, आगे इनका क्या फोकस है, उस पर ढेर सारी बातें हम करेंगे। बट सबसे पहले पारितोष, बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद इस ये धमाकेदार इंट्रोडक्शन का। वेल डिजर्व्ड है पारितोष, क्योंकि हमने पर्दे पे बहुत सारे हीरो देखे हैं अच्छा अच्छा काम करते हुए, लेकिन असल जिंदगी के हीरो से जब मिलते हैं, और कोविड सोल्जर आपको शायद एक नाम भी दिया गया, तो वो बहुत दिली खुशी देता है। तो मैं, फॉर द पीपल जिनको नहीं पता फीडिंग फ्रॉम फार क्या है, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन उसका दें। जरूर। तो फीडिंग फ्रॉम फार एक कैंपेन है, एक कोविड-19 हंगर रिलीफ कैंपेन है, जो मार्च 2020 में स्टार्ट हुआ जब हमने पहला जनता कर्फ्यू देखा। लगभग उस समय शुरू हुआ था। हम अपने आप को एनजीओ नहीं कहते, हम अपने आप को कैंपेन ही कहते हैं, हमेशा रहेंगे, क्योंकि जो मूल थॉट है इस पूरे आइडिया का वो ये था कि आप को कोई सोशल सर्विस वाले एरिया से या कोई यू नो यू शुड नॉट यू डोंट हैव टू बी अ लाइक अ एनजीओ ओनर और ऐसा कुछ टू रियली डू समथिंग। आपको बस अंदर से एक थोड़ी सी थिंकिंग होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए कि हाँ आई थिंक ये अभी वक्त की जरूरत है और आप एक कुछ इनिशिएट करते हो। तो इसलिए हम वो उसे एक कैंपेन आज भी कहते हैं। ये एक क्राउड फंडेड कैंपेन है। ये शुरू हुआ था मुंबई में और बस हमने हमने सबसे पहले एक कम्युनिटी किचन बनाया था। गोवंडी नाम एक जगह है यहाँ पर मुंबई में। मुंबई का लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट वेस्ट डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पर। बहुत ही जरूरतमंद लोग यहाँ पे एक साथ रहते हैं। मुंबई का जो सबसे मेन जो जिसको कहते हैं डेली वेजर्स का सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो गोवंडी में है। और आइडिया ये था कि कोविड में ऐसा नहीं था, एक अबनॉर्मल सिचुएशन थी जहाँ जैसे नॉर्मल तरीके से मतलब कहीं जरूरत होती है तो बाहर से लोग आते हैं, ट्रकों में खाना आता है, वैसा सिचुएशन नहीं था। आइडिया ये था कि गोवंडी के लोगों के साथ ही मिलकर उन्हीं को सिस्टम्स और यू नो फंड्स और रिसोर्सेज के साथ एम्पावर करके उनके ही हंगर इशू को सॉल्व करना। तो ये हमारे कैंपेन की सोच है और जब हमने आगे स्प्रेड भी किया तो ये हमारी मूल सोच हमेशा रही कि मुझे जरूरत है, क्योंकि शायद मैं एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता हूं तो मुझे जरूरत है वो बाकी सारी चीजें सॉल्व करने की, ताकि वहीं से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बस परतोष, यही है फीडिंग फ्रॉम फार। नहीं, इतने सारे लोग सोचते नहीं हैं, बहुत सारे लोग भगवान की कृपा से एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं, जहां पर कोविड के टाइम बहुत मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। बट ये जो थॉट आपको आई ना कि आई शुड हेल्प अदर्स, ये कहाँ से पनपी, वेयर डिड दिस क्रॉप फ्रॉम कि ऐसा कुछ शुरू करना चाहिए? आई थिंक ये थोड़ा अपब्रिंगिंग में है मेरे, और ये बहुत मतलब ये बहुत सही लग रहा था, बहुत ही इंस्टिंक्टिव डिसीजन था। तो ऑनेस्टली अब मैं अपने आप को आई कांट टेल एग्जैक्टली ये कहाँ से आ रहा है, बट आई जस्ट फेल्ट दिस इज द राइट थिंग टू डू। ऑनेस्टली कुछ समझ में भी नहीं आया पहले कि ये कैसे स्टार्ट होगा, क्या होगा वगैरह वगैरह। इट वॉज जस्ट अ थॉट सबसे पहले, और हमने इस पूरे आइडिया को सबसे पहले अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम में डाला। अगर आपको याद है फर्स्ट वीक में सब अपने घर में जो है वो शेफ्स बन गए थे, सब जो है वो करेक्ट खूब सारा खाना बना रहे थे, आज मैंने ये बनाया, आज मैंने वो बनाया, आज मैंने घर का काम किया। तो उन्हीं में से एक मेरा भी पोस्ट था कि मुझे ऐसा ऐसा मेरा एक आइडिया है, मुझे कुछ करना है। बट जेन्युइनली सिर्फ यही था, आई कांट पिन पॉइंट वन थिंग कि ये कहाँ से आया था। आई थिंक इट इज ऑल्सो टू डू विद लाइक मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, केवी में पढ़ा हूँ फर्स्ट टू 12th स्टैंडर्ड तक, और हमारे स्कूल में जो है ना कभी भी कोई क्लास कास्ट डिफरेंस नहीं था इनसाइड द। तो मुझे लगता है वहां से भी आपको ये समझ में आता है कि जब आप क्लासरूम के अंदर हैं आप सब एक यूनिफॉर्म में हैं तो सब आप बराबर हैं। क्लासरूम के बाहर जो है वो आपको बाकी चीजें अटैक करती हैं, लेकिन क्लासरूम के अंदर आप बहुत बराबर हैं। तो ऐसा ही सिचुएशन उस समय भी आया था। दूसरा एक और रीजन था कि मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन युवाल नोआ हरारी, एक बहुत ही अच्छे मॉडर्न टाइम हिस्टोरियन है, उन्होंने उस समय फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा था
जिसमें उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर उन पर पड़ने वाला है जो डेली वेजेस हैं, जो आज कमाते हैं ताकि वो कल खा सकें। उनका एक सेंटेंस था जो कहता था कि दे विल डाई ऑफ हंगर बिफोर द वायरस इवन रीचेस देम। वो भूख से मर जाएंगे जब तक उनके पास वायरस, तब तक उनको पहुंचेगा, या इवन जब तक अवेयरनेस उनके पास पहुंचेगी। तो ये थॉट मेरे दिमाग में था, और मैं मुंबई से हूं और ये पूरा शहर जो है वो डेली वेजर से चलता है, तो मुझे लगा यहाँ इस बारे में बहुत बड़ी, बहुत 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 प्रॉब्लम होने वाला है। अगर आपने देखा होगा आगे लोग जो इतना शहर छोड़ छोड़ के जो है वो अपने गांव में वापस इसीलिए बार बार गए, क्योंकि एक बहुत स्ट्रांग इनसिक्योरिटी थी, भूख एक बहुत बड़ा कारण था उसका। आई थिंक दैट्स वेयर इट करेक्ट। केम फ्रॉम। अच्छा पारितोष, आपने शुरू तो क्या कोविड के फेज में, जहां एक जरूरत आपको समझ आई कि यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रिविलेज नहीं है, जिनको इस वक्त खाने की राशन की जरूरत होगी। अभी कोविड तो भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत अभी शांत हो चुका है, वी डोंट हियर ऑफ इट मच, ऐसा ही रहा है वो। बट हंगर तो एक ऐसा इशू है जो हमारे देश में है, राइट? तो अब आगे क्या फोकस है फीडिंग फ्रॉम फार का? आप इसको आगे दूसरे देशों शहरों तक भी पहुंचाना चाहते हैं, और यू वांट टू एक्सपैंड इट, क्या है प्लान? मैम, एक तो डेफिनेटली कोविड एज अ वायरस काफी कंट्रोल में आ गया है, स्पेशली आफ्टर वैक्सीनेशन एक्सेट्रा। बट हमने इस पूरे प्रोसेस में जितने सारे लॉकडाउन करे हैं उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा खराब हो गई है पूरी इकोनॉमी में। आप देखिए देश भर में एक रिसेशन का, देयर इज अ रूमिंग रिसेशन एवरी डे। आप सुन रहे हैं कि इतने हजार नौकरियां किसी कंपनी ने ड्राउन कर दी, इतनी सारी चीजें हम सुन रहे हैं। अगर ये उस क्लास में हो रहा है तो आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि लाइक अ बिलो पॉवर्टी लाइन में क्या तबाही मची हुई होगी। अभी अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, 6-7 महीने पहले हमारा जो हंगर इंडेक्स है, वी आर इन 107 पोजिशन, विच इज वर्स देन हाउ इट हैज एवर बीन। ठीक है, तो हंगर बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश भर में, बहुत बड़ी समस्या है। जितने लेवल्स में है उतने लेवल्स कम है, उसको आकलन करने का अभी तक पहल भी शायद शुरू नहीं हुई हो, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसके बारे में। मुझे लगता है कि मैं अकेला जो हूँ इस हंगर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं जितनी भी इस बारे में अवेयरनेस फैला दूँ, मुझे लगता है, अगर आपने नोटिस किया होगा कोविड के दौरान फर्स्ट ईयर वेव और सेकेंड वेव, मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग जो नॉन एनजीओ एरिया से हैं, उन्होंने बाहर निकल के जो है वो बहुत ही फिनोमिनल काम किया। देवर नोबडी इज इन द सोशल, लाइक सोशल सर्विस स्पेस, दे जस्ट इनिशिएटेड, दे डिड देयर बिट। कोई हॉस्पिटल ढूंढ रहा है, कोई आईसीयू ढूंढ रहा है, कोई ऑक्सीजन ढूंढ रहा है, कोई खाना ढूंढ रहा है, कोई कितनी सारी कर रहा है, और उन्होंने अपने घरों के, मुझे लगता है मुझे उनसे ज्यादा होप है। मुझे लगता है कि वो लोग अगर अपने आ, 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 अपने उस फीलिंग को उतनी अपनी बहुत ही प्योर फीलिंग को फिर से जगाएं, और हंगर को भी उतना ही इंपॉर्टेंट मुद्दा लें, और खुद इनिशिएटिव लेके बहुत अपने डिसेंट्रलाइज लेवल पे, हमने आज तक शायद 32 लाख मील्स खिला दिए हैं, ठीक है, बट नंबर डजेंट मैटर करता है। आप 32 क्या, आप 3 परिवारों क्योंकि आप एक परिवार की भी अगर भूख मिटा सको, लेकिन आप ये सोच के कर सको कि हाँ आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि डेफिनेटली ये सबसे ज्यादा जरूरतमंद है अभी, और आपने जाके उनको इनिशिएट किया। मैं कह रहा हूँ ये हंगर प्रॉब्लम इसी पूरे रिसेशन के दौरान, इस मतलब इसी टाइम में सॉल्व हो सकती है। मतलब मैं इस बारे में डेफिनेटली कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि फ्रॉम नो वन, जो मतलब नहीं कर सकते थे, मेरा कोई स्पेस भी नहीं है, ना ये कोई मेरा फुल टाइम जॉब है, हमने अगर इतना बड़ा, जस्ट बिकॉज वी आर परसिस्टेंट अबाउट इट कि हाँ ये जरूरी है और हमको करना है, और उसके बारे में हम बात करते रहते हैं, और बहुत सारे लोग बैक भी करते हैं इस बात को बार 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 बार, जरूरी है। तीसरी एक और चीज है कि लोग इनिशिएट नहीं कर पाते हैं, लोगों के दिमाग में बहुत बैगेज है। ठीक है, मेरा 8-10 घंटे का जॉब है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं। आपको उस चीज से थोड़ा साइड निकलना पड़ेगा। हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, हम सोशल मीडिया के वर्ल्ड में हैं, हम क्राउड फंड कर सकते हैं, हम लोग मतलब फंडिंग की प्रॉब्लम है तो। दूसरा, ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, आप ऑन ग्राउंड जाओगे, अगर आप एक्चुअली इनिशिएशन लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आप कितना लेवल में कैसे कर सकते हो। कुछ नहीं तो आप डोनेट कर सकते हो, कुछ नहीं तो आप कोई कर रहा है तो उसको जाके हेल्प कर सकते हो, आपका कोई एंड नहीं है कि आप कितना कर सकते हो, लेकिन आप इनिशिएट ही ना करो तो अनफॉर्चुनेटली इस पूरे कॉज की और आपके उस थॉट की कितनी जो है वो, मतलब इट्स सो अनफॉर्चुनेट दैट यू हैव दैट थॉट, यू आर दैट गुड पर्सन, बट यू आर नॉट एबल टू इनिशिएट। तो आई थिंक मैं अकेला नहीं ये सॉल्व कर सकता। मेरा बस चले तो मैं पूरा, मतलब पूरा, मतलब अगर कोई इस लेवल का बैक कर सके, लेकिन आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी रियलिस्टिक। मेरा भी जॉब है, मैं अपना भी टाइम निकाल के काम करता हूँ, और जितना काम कर सकता हूँ उतना करता हूँ, तो अपना लेवल का इम्पैक्ट आप सब लोग करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फिलहाल हम बॉम्बे में, मुंबई में दो एरियाज है, धारावी और मच्छीमार नगर। ठीक है, धारावी एक बहुत बड़ा एशियाज लार्जेस्ट स्लम माना जाता है,
और मच्छीमार नगर साउथ बॉम्बे, जो साउथ बॉम्बे बहुत अमीरी के लिए भी माना जाता है, वहां पर ही ये एक बहुत बड़ा स्लम है जो एक फिशरमैन विलेज है, राइट बिसाइड द सी, मच्छीमार नगर बोलते हैं। इन दोनों एरियाज में हम फोकस कर रहे हैं अभी। यहाँ पर हमारे दो कम्युनिटी लीडर्स हैं, रोशन करके एक मच्छीमार नगर में और रुखसाना जी हैं धारावी में। इन दोनों ने अपने ये एरिया में ही रहते हैं और इन्होंने अपने एरिया की भूख की समस्या का बेड़ा उठाया है, तो हम इन दोनों को बैक करते हैं, इन दोनों के थ्रू इस कैंपेन को इन दोनों एरियाज में चलाते हैं। आज हम हर 15 दिन में 35,000 मील्स ईच इन बोथ द एरियाज करते हैं। वी वुड लाइक टू एक्सपेंड इट टू अबाउट 1 लाख मील्स इन ईच ऑफ द एरियाज। वाह, तो ये हमारा फिलहाल एक्सपेंशन प्लान है। बट मोर इम्पोर्टेंटली हम चाहते हैं कि हमारा कैंपेन एक इंस्पिरेशन बने उन सारे लोगों में जिनमें ये अंदर से अच्छाई है। उन्होंने तब इनिशिएट किया होगा, नहीं किया होगा तो अब कर लें, लेकिन प्लीज इस प्रॉब्लम को साथ में मिलकर सॉल्व करें। आई रियली होप कि ऐसे बहुत सारे लोग करें, बिकॉज आई थिंक सोशल अवेयरनेस जो है कोविड के दौरान काफी बड़ी है. और जैसे आपने भी कहा, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने लेवल पे जो हो सका, जितना हो सका वो किया है. बट पालतोष में जाना चाहती हूँ कि क्राउड फंडिंग हो गई, लोगों ने जितना यू नो कंट्रीब्यूट कर सकते थे वो किया. बट गोइंग फॉरवर्ड या उस दौरान भी लोकल गवर्नमेंट या अथॉरिटीज जो है उससे कितनी हेल्प तब मिली या अब मिल रही है? मैम देखिए, लॉकडाउन के दौरान मैं कह सकता हूँ आपको कि लोकल गवर्नमेंट और अथॉरिटीज ने वो सारी कुछ चीजें करी जो वो कर सकते थे, बिकॉज मेरे हिसाब से सरकारें ऑल ओवर द वर्ल्ड सरकारें बहुत ज्यादा क्लूलेस थी उस समय कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो बहुत ज्यादा ट्रायल एंड एरर्स चल रहे थे। हम सब लोगों का काफी योगदान था उसमें। मुझे याद है लोकल हमारी जो BMC है यहाँ की, उन्होंने काफी हेल्प किया था ड्यूरिंग कोविड। उन्होंने हमको बताया था, उन्होंने आके हमारे ग्राउंड में पूरा देखा था कि हम कैसे इतने सारे लोगों के लिए, हम अपने पीक में 14,000 लोगों के लिए, मतलब 14,000 खाना एक टाइम पे बनाते थे और उसको लंच और डिनर में जाके होम डिलीवर करते थे। मैं नहीं करता था, ये गोवंडी के लोग करते थे। तो उनका डेफिनेटली आके ये चेक करना, उन्होंने हमको एक वो फीवर चेक करने की मशीन जो होती है वो दी थी। इन जनरल वहां पर बहुत क्राउडिंग हो जाती थी, थोड़ी पुलिस की प्रोटेक्शन दिया था, मुझे भी जो है वो पुलिस का पास दिया। मुझे सिर्फ ट्रस्ट किया मुंबई पुलिस ने कि भाई एक आया है पुलिस स्टेशन करने आया है हेल्प, तो इसको हेल्प करेंगे। मुझे लगता है लोकल अथॉरिटीज जितना कर सकती उन्होंने किया। हालांकि मुझे लगता है कि पूरा का पूरा इम्पैक्ट अगर देखा जाए COVID-19 का, उसमें सब लोगों का बहुत बहुत योगदान था, सिर्फ गवर्नमेंट्स का नहीं था। गवर्नमेंट जो है वो आज भी हमको, मतलब हमको तो डेफिनेटली हेल्प करती है। अभी फिलहाल हमारा जो कैंपेन है वो क्राउड फंडेड कैंपेन है, तो ATG सर्टिफिकेट देती है, जो भी डोनेट करेंगे उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है। FCRA का सर्टिफिकेट है, तो वर्ल्ड में से कोई भी करेंसी में हमको डोनेशंस मिल सकते हैं। ये बहुत बड़ा योगदान आई वुड से गवर्नमेंट का है जो वो देते हैं, टैक्स बेनिफिट देते हैं ऐसे थॉट्स वैसे कॉजेस को। और ये आपके सारे दर्शकों के लिए भी ये है कि आज क्राउड फंडेड कैंपेन्स जो इतने सारे अलग अलग क्राउड फंडेड लाइक क्राउड फंडिंग के एरियाज हैं, ये सारी चीजें ये देती हैं और इसमें गवर्नमेंट्स का काफी हेल्प है। अब बस आप लोगों का बस आई थिंक जागने की देर है कि ये मुझे करना है और ये मैं कर सकता हूँ और अपने लेवल में कर सकता हूँ, और मतलब इट कैन बी फिनोमिनल, लाइक द वर्ल्ड विल बी राइट विद राइट एंड यू। ऑल्सो भी जैसे अभी इंडिया जो है इट्स अ यंग कंट्री, यू नो, तो आई होप एंड आई रियली थिंक कि जो यूथ है वो ज्यादा सोचता है इस सब के बारे में. बट सोच से आगे भी जैसे आपने इनिशिएटिव लिया, आपके साथ आई होप करना बहुत पड़ेगा। सारे लोग जुड़े. देखिए, आप तो सोशल कॉज कर रहे हैं. आई एम श्योर आपने किसी रिकग्निशन के लिए नहीं किया पारितोष व्हेन यू स्टार्टेड, बट आपको फिर अवार्ड्स मिले, रिकग्निशन मिली, एंड IPL में AB डिविलियर्स ने आपके नाम की जर्सी पहनी. हाँ हाउ डिड इट ऑल मेक यू फील? क्योंकि आपने उस सब के लिए नहीं किया बट फिर भी लोगों ने वो रिकग्नाइज किया, तो कैसा महसूस हुआ? अच्छा महसूस होता है मैम, क्यों नहीं होता है। मेरा पूरा का पूरा फोन स्पैम था, सुबह सुबह उठ के देखा मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर भरा पड़ा है, इतने सारे लोग मेरे मीम पेजेस में चल रहे थे वगैरह वगैरह। मुझे लगता है मुझसे ज्यादा कैंपेन को बहुत रिकग्निशन मिली, जिसका बहुत बड़ा फायदा आई एम श्योर उन सारे लोगों को हुआ जिनके वजह से जिनको हमने जो है वो मतलब क्राउड फंड करके अल्टीमेटली खाना खिलाया। बहुत सारा फैमिली में भी जो है वो सब लोग मुझे मैसेज करने लगे, कॉल करने लगे कि ये सही कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, काफी अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे रिलेटिव जो कभी बात नहीं करते थे वो भी कॉल करके बात कर रहे हैं प्यार से। अच्छा लगता है मैम ये सारी चीजें, बट ये सारी चीजें बाय प्रोडक्ट होनी चाहिए, ये चीजें आपका गोल नहीं होनी चाहिए। आई थिंक इट रियली हेल्प्स, मतलब मुझे मतलब मेरा लाइक फोकस कभी छूटा नहीं था उस बारे में। हाँ डेफिनेटली उसके बाद हमने ये सोचा कि अब हमको ग्लोबल रिकग्निशन मिल गई है एक क्रिकेटर की तरफ से,
इस कैंपेन को भी ग्लोबल जाना चाहिए। राइट राइट मोर देन 12 करेंसीज में हमको डोनेशंस मिले, मोर देन 250 सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव पार्टिसिपेटेड इन डोनेटिंग इन द कैंपेन। बहुत सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, आई कैन नेम सो मेनी, मिंडी कैलिंग है, एमी जैक्सन है, इन सब लोगों ने हमारे कैंपेन के बारे में वर्ल्ड में बात करी है। मसाबा गुप्ता ने बहुत हेल्प किया, काफी सारे मतलब मुझे लगता है कैंपेन, एज आई सेड, कैंपेन को बहुत हेल्प राइट मिला। बट ग्रेट, आई मीन थैंक यू। मुझे तो सब लोगों ने जिन्होंने भी इतना रिकमेंडेशन दिया उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बट यू नो द गोल इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट मैम। राइट राइट एंड आई होप वो आप अचीव भी करें. अच्छा, एक डिजिटल प्रोडक्ट भी आप लॉन्च करने वाले हैं, सो उसके बारे में शेयर समथिंग. मैम उसके बारे में तो फिलहाल अभी काम चल रहा है। जैसे मुझे याद है 25 मार्च 2020 में हमने आइडिया अपना सिर्फ सोशल मीडिया में और आउट देयर द वर्ल्ड डाला था और बहुत सपोर्ट मिला था। तो मेरा होप है कि इस चीज के लिए भी मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। मैं बहुत बेसिक समझा देता हूँ कि ये क्या है। राइट तो हमने एक चीज कोविड में देखी कि एक मॉडल जो है मतलब एक प्रोडक्ट नहीं है जो सोशल सर्विस के इस पूरे आइडिया को, जहाँ एक नॉर्मल पर्सन आपके और मेरे जैसे जो शायद एक नॉट नॉर्मल परिवार से आते हैं, अपना काम करते हैं और उसकी वजह से खाते हैं, लेकिन अंदर एक सोच रखते हैं कि अपना अपना एक सोशल सर्विस का भी साइड साइड होना चाहिए, और उसको स्ट्रीमलाइन करने का कोई डिजिटल प्रोडक्ट नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे ऑक्सीजन की जरूरत होती थी तो मैं डेस्परेट होके सोशल मीडिया में लिख देता था कि मुझे इस हॉस्पिटल में इस फोन नंबर में ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब वो कोई शेयर करता था, कभी कोई सेलिब्रिटी शेयर करता था। अगर आपको याद है बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्रामर्स का इंस्टाग्राम भरा पड़ा रहता था, यहाँ ये चाहिए, यहाँ ये चाहिए, यहाँ ये चाहिए, यहाँ चाहिए। फिर क्या किया, फिर लोगों ने इतने सारे चीजें देखी, इतनी सारी रिक्वायरमेंट देखी, तो लोगों ने इसको कोलेट करना शुरू किया कि चलो हम इसको सिटी वाइज स्प्लिट कर देते हैं, दिल्ली में ये रिक्वायरमेंट है, मुंबई में ये रिक्वायरमेंट है, इंदौर में ये रिक्वायरमेंट है, कोलकाता में रिक्वायरमेंट है। उसके बाद लोगों ने जो है वो जो प्रोवाइडर्स हैं, कि इसके कोई बंदा है जिसके पास बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसको कनेक्ट किया कि भाई तेरे मुंबई में ये प्रोवाइडर्स हैं, ये जरूरतमंद लोग हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत अच्छे से डिजिटली स्ट्रीमलाइन हो सकता है, ठीक है, जहां मैं उन लोगों से लेड होगा जो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, उनको सिर्फ अपने इनिशिएटिव के बारे में बताना है, उनको क्राउड फंडिंग में कैसे हेल्प करना है, इतने सारे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें कैसे हेल्प चाहिए, वो बैरियर अंदर से तोड़ना कि बॉस ये किया जाता है, ऐसे ऐसे होगा, फिर इन्फ्लुएंसर्स को मिला के उनके साथ ही प्रोडक्ट बनाना कि बॉस ये ऐसा काम कर रहे हैं, अब इसके लिए इनको इनको फंड से मदद करें या रिसोर्सेज से मदद करें, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा वैलिडेशन बेस्ड होगा। आज जो है वो सोशल मीडिया बहुत ही वैलिडेशन सेंट्रिक है, ओके। आपको 2 या 3 रीट्वीट्स भी आ जाते हैं, 4 5 लाइक भी आ जाते हैं, दैट दैट थिंग दैट इट डज टू यू इनसाइड इज इनफ फॉर यू। आई थिंक आई'ड लाइक टू मेक दैट प्रोडक्ट अराउंड दिस, कि ये वैलिडेशन बेस्ड प्रोडक्ट होगा। हमारे कंट्री ने पहली बार बार जो है वो पास में, आपको याद है मुंबई में कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हुआ था, जहाँ ग्लोबल सिटीजन जो है बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है वो इंडिया में आया था, उन्होंने ये प्रोडक्ट जो है वो हल्का फुल्का किया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं था। आई थिंक कोविड के बाद दिस इज द नीड ऑफ द आवर, और मुझे उस तरीके का कुछ बनाना है, तो आपके और आपके दर्शकों के माध्यम से मैं उन सारे लोगों के साथ जो मुझे इस प्रोडक्ट में हेल्प कर सकते हैं, प्लीज रीच आउट टू अस ऑन इंस्टाग्राम। इट्स अ वेरीफाइड प्रोफाइल कॉल्ड फीडिंग फ्रॉम फार, FEEDINGFROMFAR, एंड रीच आउट टू अस, सी वेर यू कैन हेल्प अस। वी वुड नीड डेवलपर्स, वी वुड नीड डिजाइनर्स टू कम एंड हेल्प अस विद दिस, एंड दिस इज वॉट द बेसिक आइडिया इज, सो लेट्स सी वेर वी गो विद दिस। राइट राइट एंड परतोष, वैसे तो आपको बहुत सारी हेल्प मिल रही है, बट आई रियली होप हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से जो आपने मैसेज जैसे अभी दिया, और ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट करें और कंट्रीब्यूशन जो भी हो सकता है वो करें. बट लास्टली, जैसे जो फिल्म स्टार्स होते हैं ना, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे गिविंग बैक टू द सोसाइटी के लिए आप क्या करो, बट आई थिंक ये हम सबका फर्ज होता है. तो जो यूथ है जो ये इंटरव्यू हमारा देखेगा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट विल बी द वन मैसेज फॉर देम? सबसे पहले तो यही है कि मतलब अगर आपने सोचा है तो सबसे बड़ा बैरियर जो बीच में आ रहा है आपके सोच और आपके इम्प्लीमेंटेशन के बीच में, उसको खत्म कर दो। हम एक परफेक्शन ढूंढते रहते हैं हर बार कि मैंने ये सोचा है तो ये इस लेवल पे होगा, वो होगा वैसे नहीं, वो होगा बहुत डिफरेंटली, ठीक है। मेरे लाइफ के बहुत सारे इंटरेस्टिंग इनिशिएशन रहे हैं, फीडिंग फ्रॉम फार एक रहा है, इसके पहले एक रेस्टोरेंट चेन मैंने स्टार्ट करी थी जो लोग बोल सुन नहीं सकते हैं, उनसे स्टार्ट की थी। बट ये पहले आइडिया आया दिमाग में और हमने करना स्टार्ट किया, ठीक है। मुझे लगता है हमारा यूथ जो है वो वहां पे कहीं मात खा रहा है कि वो करना स्टार्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो सिर्फ एक आइडिया रह जा रहा है उनके मन में, ठीक है। मेरे हिसाब से हमारी कंट्री की 50% पॉपुलेशन 25 एंड बिलो है। वी आर अनलाइक अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वी आर अ यंग कंट्री,
ओके, जस्ट इमेजिन अगर ये पॉपुलेशन जो है वो अपनी थिंग्स को सॉल्व करना शुरू करे, ठीक है, वी आर लिविंग इन द स्टार्टअप टाइम, ठीक है, अब जो है वो हमारे पेरेंट्स का जमाना नहीं है जहाँ लॉयर डॉक्टर इंजीनियर हो सकता है सर, अभी हम नौकरी देने वालों वाली जनरेशन है, तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि दैट बैरियर हैज टू लाइक गो, एंड वॉट एवर इज योर जर्नी इज वॉट द रियलिटी इज एंड नॉट वॉट यू हैव ऑलरेडी मेड, बट बी इंस्पायर्ड ऑफकोर्स, फॉलो अस ऑन फीडिंग फ्रॉम फार, फॉलो ऑल अदर इंस्पिरेशन दैट यू हैव एंड सी वेर यू कैन हेड, बट डोंट स्टॉप ट्राई. मेरा खुद का बहुत बड़ा एक कमेडियन है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उनका एक शो था, उसका शो का नाम था डाई ट्राइंग. वो मेरा लाइफ का मकसद, मतलब मेरा पूरा अप्रोच ही इससे होता है कि मतलब कोशिश करते करते मरना है एक दिन हमको, लेकिन करना, मतलब यू डोंट नॉट डू इट, अपना सकम होके जो है वो बैठ के नहीं होता ना, अपने थॉट्स में कोई चीज बुन के कोई फायदा नहीं ना, उसको रियलिटी में लाओ, ये जरूरी है करना मैम, ये जरूरी एंड है. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आइडिएशन सबके पास होती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन के लेवल पे लाना बहुत कम लोग कर पाते हैं. बट आई रियली होप आपकी इंस्पिरेशन लेके बहुत यूथ जो है वो आपके साथ, या जो बाकी चीजें, या खुद अगर वो कुछ शुरू करना चाहते हैं पर तो बिल्कुल शो करें. एंड हमारी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू फॉर डूइंग दिस, एंड वी विश यू ऑल द लक कि आगे जो भी आपका गोल है, जो मोटिव है फीडिंग फ्रॉम फार का, वो पूरा हो जाए और ये डिजिटल प्रोडक्ट भी आपका अच्छे से लॉन्च हो और सक्सेस इसको मिले. एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. ग्रेट, थैंक यू निधि, थैंक यू सो बाय मच. बाय.